अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूँ नानमान जुगली चांगलांग हेडक्वार्टर से। सरकार जिस तरह से बना है 2014 से लेके आज है 2023 बीजेपी गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी जो है आने वाले साल जो है इलेक्शन होने वाले हैं, तो सरकार जो है जिस तरह से कार्य कर रहा है, विकास जो कर रहे हैं, तो उसी तरह हम यहाँ के जो है आज तापिर गांव जी इस पार्लियामेंट जो हमारे एमपी है, तो वो गुजरते हुए तीरप से नमसाई की ओर जा रहे थे। उसी समय में हमें जानकारी मिला है और हमने भी उनसे मिलने के लिए कोशिश किए है, तो उनसे भी हम वार्तालाप किए हैं। और जो हमारा चांगलांग हेडक्वार्टर का जो समस्या है या चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का जो समस्या है, उसी को लेके हमने कुछ सवाल रखे हैं, जो कि जैसे कि हम कह सकते हैं मार्गेटा और चांगलांग रोड के बीच में जो असम का काउंटर पार्ट जो है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा और उनका क्या कहना है उसी विषय को लेके। और उसका साथ साथ ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का ये जिस तरह से असम गवर्नमेंट ऑफ असम और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के जो दोनों सीएम ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जो बाउंड्री इशू को लेके, उसी विषय को लेके भी हमारा जो चांगलांग हेडक्वार्टर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो है अब तक जो है बाउंड्री नहीं है, तो इसी विषय को लेके भी मैंने रखा। और यहाँ का जो PMGSY जो रोड है, अगर हम जब जाएंगे तो PMGSY जो है ज़्यादातर फेलियर इस तरह से हमें देखने को मिलता है। और कई सारे जगहों में PMGSY का रोड जो है बनाया है, लेकिन वो फर्स्ट फेज में ही रह गया और सेकंड फेज थर्ड फेज जो है दिया नहीं गया है। और दूसरा चौथा ये था कि जो पांगसाव पास जो है ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो फेमस है, और यहाँ के निवासी लोग के लिए भी अगर हम बर्मा में कुछ सप्लाई किए करना चाहते हैं या बर्मा से जो यहाँ के लोगों के लिए जो सप्लाई करना चाहते हैं वो जो है अभी बंद है। इसी विषय को लेके हमने भी तापिर गांव जी से हमने जानकारी लिए है, तो हम इसी रिपोर्ट में हम दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। आइए सर, अरुणाचल टुडे में सर आपको स्वागत है। सर तो यहाँ में जैसे आप आए हैं तो हमारा कई सारे सवालों है, और ये जो गवर्नमेंट का जब BJP गवर्नमेंट आए हैं तो आज जो है 9 साल होने को है सर, तो इसी विषय में सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों में BJP सरकार के द्वारा कार्य किया है हमारे स्टेट या हमारे तिरप चांगलांग लॉन्गडिंग में, सर इसी विषय में सर आपसे जानने के लिए कोशिश करूँगा। सर देखिए, आज हम लोग तिरप से चांगलांग डिस्ट्रिक्ट पहुंचा है। मेरा साथ हमारा नामसाई डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सुजाना नामसुम, जो हमारा स्थान पार्लियामेंट के कोऑर्डिनेटर है। आज हम लोग मई 30 तारीख से लेके जून 30 तारीख तक हर BJP कार्यकर्ता को, हर BJP MP को, MLA को, मिनिस्टर को ये ड्यूटी दिया गया है कि संपर्क से समर्थन, माने लोगों को संपर्क करना है। मोदी जी का 9 साल का जितना डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ देश में हुआ और हमारा अरुणाचल प्रदेश में हुआ, और साथ में पेमा खांडू सरकार का 7 साल का जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अरुणाचल में हुआ है, इसको लोगों को बताना है। इसके लिए आज मैं तिरप से यहाँ चांगलांग पहुँचा हूँ, और यहाँ से फिर हम नामसाई जाएंगे। यहाँ जन संपर्क, जनता को मिलना है, और आज हम ये में तिनसा बस्ती में कुंसा के ऊपर वहाँ हम जनसभा हुआ और एक स्कूल बिल्डिंग ऑडिटोरियम इनागोरेट हुआ, हेडमास्टर रूम भी इनागोरेट हुआ। आज आप देखिए, मोटे तौर पे मोदी जी आने के बाद अरुणाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे आप डिब्रूगढ़ से लेके कानूबारी, लॉन्गडिंग, कुंसा, चांगलांग, मानमो, करसांग, पूरा माने अप टू तवांग तक ये अरुणाचल ट्रांस अरुणाचल हाईवे, और कितना ब्रिजेस, बोगीबिल ब्रिज और आलूबारी ब्रिज, भूपेन हजारिका सेतु ब्रिज,
और सिसरी ब्रिज, ऐसे बहुत कई ब्रिज बनाया है। साथ में मोदी जी आने से पहले रेलवे का नाम ही नहीं था, अरुणाचल प्रदेश में रेलवे सर्विस हो गया। अभी जोनाई से पासीघाट रेलवे लाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्लस ये आपका तेजपुर से लेके बालुकपुंग से लेके तवांग तक रेलवे सर्वे कंप्लीट हो गया है। अभी टेंडर ये करेंगे और हम यहाँ से आपका नामसाई चौकाम और परशुराम कुंड तक रुपाई से रेलवे अभी सर्वे सब कंप्लीट हो गया है और टू लेन हाईवे बनाएंगे। आज अरुणाचल प्रदेश में तेजू से हवाई तक, अनिनी से रोइंग से अनिनी तक, पासीघाट से मीगिंग तक और लिकाबाली से मेसुका तक और आपका जीरो से होते हुए दापोरिजो और ताक्सिंग तक और संग्राम याजाली से लेके संग्राम होते हुए आप हुडली पूरा वहाँ तक सड़के बनाया, तवांग तो हो गया, प्लस एयर सर्विस हुआ। दिल्ली ईटानगर में 3 एयरक्राफ्ट डेली आता है, एक इंडिगो और एक फ्लाई वीक गुवाहाटी दिल्ली और डिब्रुगढ़ ईटानगर होलोंगी में 3 एयरक्राफ्ट और गुवाहाटी से पासीघाट दिल्ली, गुवाहाटी से तेजू दिल्ली और इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब मेजर काम अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में हुआ है डबल इंजन पेमा खांडू एंड मोदी जी ये में। और मोदी जी जब से सरकार में आए, एक ऐसा कोविड महामारी देश में हुआ, लेकिन मोदी जी ने लॉकडाउन करवाया, साथ में हर नागरिक को 3-3 वैक्सीन दे के आज 123 करोड़ इंडियन को वैक्सीन दिया है। आज इसलिए आज कोरोना का भी कमी है देश में, कहीं सूट फूट तो कहीं ना कहीं अभी भी होगा, लेकिन इन अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में हम कोरोना फ्री है। साथ में टॉयलेट, हर घर में टॉयलेट बना दिया, साथ में कोरोना काल में हर नागरिक को देश भर का 5 किलो राइस अरुणाचल प्रदेश में पूरा बता, देश भर में बता है। साथ में किसान सम्मान निधि में 2000 2000 2000 करके ये में हर साल दे रहा है, ऐसे करके। और पेमा खांडू सरकार ने सीएमए सीएम मिनिस्टर अरुणाचल आरोग्य योजना में 5 लाख मेडिकल इंश्योरेंस, जिसका वजह से कैंसर, जो ब्रेन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, सारा सब बेनिफिट मिल रहा है। और आयुष्मान भारत में सेम कार्ड मेडिकल इंश्योरेंस मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ से भी है। और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना हर गांव में घर बना के दे रहा है। तो ऐसे करके मोदी जी ने जो देश को आगे लेके जा रहा है, साथ में आप मोटा मोटा जो है आर्टिकल 370-35A को कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से हटाया, सर्जिकल स्ट्राइक का भी आप हमारा साथ है, और ब्रिटिश का गुलामी का बिल्डिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एक नया पार्लियामेंट बना के इन टाइम रिकॉर्ड में कंप्लीट हुआ और मॉनसून सेशन उसी हॉल में होगा। और प्रीतम पैतार जो अनसंग हीरो में सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू इंडिया गेट में लाना, इंस्टॉल करना, ऐसे ऐसे और मेक इन इंडिया करके इंडिया में सारा डेवलप कंट्रीज, जर्मन, फ्रांस, यूके, अमेरिका, सारा सब मेक इन इंडिया, इंडिया में इंडस्ट्री फैक्ट्री बेताना। और इन नॉट सेल, जिस देश ने हमको 200 साल गुलामी रखा था ब्रिटिश, आज जीडीपी में इंडिया ने यूके को पीछे छोड़ दिया, हम 5वां नंबर है और 6 नंबर में यूके आ गया। मैं आपका अरुणाचल टुडे का माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगला 2024 में भी हम
देशवासी मोदी जी को और लेके जाना है तो नंबर वन या नंबर टू में जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी में भी टॉप होगा, तो इसलिए इस मौका को हम लोग को नहीं छोड़ना है। तो ये हम लोगों का ड्यूटी है कि हम विकास स्ट्रीट यात्रा भी कर रहा हूँ, जैसे आलूवारी ब्रिज बनाया, भूपेन हजारिका सेतु बनाया, सिसरी ब्रिज बनाया, और आपका तेजू एयरपोर्ट हम विजिट किया, रेडी हो गया। आपका परशुराम कुंड में 37 या 39 करोड़ का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कल्चर मिनिस्ट्री से बना रहा है, ये सब हम लोग घूम रहा है। और साथ में अब जैसे मीडिया के लोगों से भी हम लोग चाहता है कि हमारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को आप लोग भी उल्लेख करें, और साथ में हर एमएलए हर एमपी टिफिन मीटिंग जो सीनियर सिटीजन्स अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर तेसाम पोंगते साहब भी ये में मंडे में करेंगे आपका यहाँ टिफिन मीटिंग, देन आपका मीडिया लोगों से भी वार्तालाप होगा, साथ में सोशल मीडिया में जो लोग एक्सपर्ट है इन लोगों से भी हम लोग को कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि देश में मोदी ने जो अच्छा किया उस अच्छाई को रिफ्लेक्ट करें। ऐसे आज हम लोग सांगलांग में पुंछा से आके यहाँ वहाँ भी जनसभा हुआ और लोगों से मिले और सीनियर सिटीजन से भी मिले, मीडिया सोशल एक्टिविस्ट से भी मिले, ये हम लोगों का ड्यूटी है। तो इस ड्यूटी का माध्यम से अपना सुनने वालों को यही कहना यही है कि मोदी ने जो देश को आगे ले जा रहा है, पेमा खांडू सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को जैसे आगे ले जा रहा है, इसमें हम सब सहयोग दें ताकि आने वाला पीढ़ी के लिए हम एक अच्छा दिशा और दशा क्लियर करके जाए, ताकि देश तरक्की करे और दुनिया में नंबर वन आए मोदी जी का नेतृत्व में, यही मेरा कहना है। सर, इसी को लेके आपने जिगर किया पीएमएवाई को लेके सर, तो कई महीनों पहले हमने दिखाए थे कि जो पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट जो है नहीं दिया था, तो उसके बाद जब हमने दिखाए थे तब रिलीज़ तो किया गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है कुछ आधा अमाउंट जो है अभी तक नहीं दिया है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें एक प्रोसीड्योर है, उसमें गाइडलाइन ये है आदि मिनिस्ट्री से, पहले आप क्लीन एरिया रेडी कीजिए, देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, आप जब लिंटर ऊपर तक आएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा, देन आप तीना लगाएंगे पूरा तार इंस्टॉलमेंट आपको दिया जाएगा। और साथ में पीएमएवाई बेनिफिशरीज को ये मैं आपका माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपने पीएमएवाई में घर कंप्लीट हो जाता है, देन उस इंजीनियर को बताना है कि पेमा खांडू सरकार अनदर 20,000 टॉप अप, फर्नीचर खरीदना है, इलेक्ट्रिक फिटिंग होना है, कुछ ये करना है, उसके लिए जो जो पीएमएवाई घर कंप्लीट बनाया है वो अरुणाचल सरकार से 20,000 टॉप अप मिलेगा। ये आप इंजीनियर से वार्तालाप करके वो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से अनदर एडिशनल 20,000 मिलेंगे। सर, दूसरा है हमारा यहाँ के जो है चांगलांग का समस्या जो को लेके, सर जो असम पार्ट जो है अभी तक बना नहीं रहे, और जो अरुणाचल पार्ट है वो तो जैसे होने से भी हमारे डिप्टी कमीशन डिप्टी स्पीकर जैसे उनसे भी फंड को लेके बना रहे सर, जो मार्गेटा और चांगलांग रोड जो है, इस विषय में आपका क्या इनिशिएटिव रहेंगे जो कि चांगलांग हेडक्वार्टर में आने के लिए मार्गेटा से? देखिए, इसके लिए मैं उसी जगह में गाड़ी में चलते हुए भी ऑनरेबल मिनिस्टर रामेश्वर तेली से भी बात हुआ, और वहाँ का लोकल एमएलए से भी मैंने बात हुआ शर्मा जी से, और अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम का हेमंत बिस्वा शर्मा से भी मैं ये बात करूँगा। ये केवल मार्गेरिता और सांगलांग गेट तक नहीं है, ये नाहरकटिया टू हुकानजुरी वो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, वो टेंडर भी हो गया था, हुकानजुरी टू कुंसा ऑलमोस्ट कम्प्लीसन है टू लेन, लेकिन नाहरकटिया टू हुकानजुरी इसलिए बन नहीं पा रहा है कि वहाँ फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से जाता है, तो उसमें पहले फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेना होता है, ये कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज है, इसलिए वो भी बन नहीं पा रहा है। और यहाँ का ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर एमओएस रामेश्वर तेली एमपी है, और यहाँ का शर्मा यहाँ का असम का काउंटर पार्ट का लोकल एमएलए है,
इन दोनों से भी हमारा बात हुआ, इन लोग किसी भी हालत में ये आने वाला सीजन में फाइनेंशियल ईयर में इसको टेकअप करेंगे। और नाहरकतिया टू फुकानजुरी भी ओले अगेन फॉरेस्ट क्लियरेंस लेके वो टेंडर करेंगे, हम लोग इसमें लगा हुआ है सर। और बाउंड्री इशू को लेके जो कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग है, आपका गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया गया बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ का लोग का ये समस्या है कि जो सीएम से अपॉइंटमेंट को लेके और जो बाउंड्री इशू जो है, बाउंड्री नहीं है मेन, जो बाउंड्री नहीं है। तो हमारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का आपका क्या इनिशिएटिव लिया जाएंगे सर? ना इसमें ऐसा है, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी, होम मिनिस्टर को ऑथोराइज, अमित शाह जी को ऑथोराइज किया गया है, और असम चीफ मिनिस्टर और अरुणाचल चीफ मिनिस्टर दोनों को लेके अमित शाह जी मीटिंग हुआ। और हर स्टेट माने बहुत असम एंड अरुणाचल ने अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का काउंटर पार्ट डिस्ट्रिक्ट को मीटिंग होना है। तो चांगलांग का यहाँ का ऑनरेबल MLAs, यहाँ का DC और यहाँ का लैंड रिकॉर्ड, और असम का ऑनरेबल MLAs, DCs एंड लैंड रिकॉर्ड साथ में बैठ के एक ही फॉर्मूला है कि आप इतिहास में मत जाइए। आज जहाँ बॉर्डर है वहाँ से हम लोगों को समाधान चाहिए। तो इसके लिए आई थिंक 90% अरुणाचल का मैक्सिमम एरिया रिजॉल्व हो गया। जहाँ जहाँ रिजॉल्व हुआ आज तक शायद 90% होगा। अभी तिराप में, लोंगडिंग में और चांगलांग में और साथ में आपका सुबनश्री में शायद जो डैम गिरगामुख डैम कंस्ट्रक्शन साइट में कहीं बसा है, इसको लास्ट टाइम दिल्ली में 3 महीना समय दिया गया है कि यहाँ का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का ऑनरेबल MLAs और असम का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का ऑनरेबल MLA बॉर्डरिंग इस अदर साथ में यहाँ का DC और वहाँ का DC 3 महीना का अंदर में रिजॉल्व करना है। यहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट कहीं कहीं है, ये असम सोनली इसको लेना है या रिजर्व फॉरेस्ट को आधा अरुणाचल या आधा असम लेना है, ये कई इशूज़ है। और जहाँ असम का आदमी और अरुणाचल का आदमी जहाँ विलेज आसपास में सामने में है, जहाँ खेती बाड़ी हो रहा है, वहाँ 3 महीना का अंदर में इसको समाधान देने के लिए पाइन देन वो समाधान देने के बाद फाइनली द सर्वे ऑफ इंडिया आएगा। असम का ऑफिशियल रहेगा, अरुणाचल का ऑफिशियल रहेगा, जियोटेक होगा, बाउंड्री अभी जो माने सुलझाया है उस हिसाब से उसको वंस फॉर ऑल समाधान होगा। क्योंकि जब से हम लोग स्कूलों में पढ़ता था तब से हम लोग बाउंड्री इशू सुनते आया, लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी एंड अमित शाह जी एंड हेमंत बिस्वा शर्मा ऑनरेबल CM ऑफ असम एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू अरुणाचल का, ये एक वंस फॉर ऑल समाधान होगा। ये केवल अरुणाचल में नहीं है, नागालैंड असम, मेघालय असम, मिजोरम असम, त्रिपुरा असम, ये वंस फॉर ऑल हम लोग एक ही था लेकिन सेपरेट स्टेट हुआ, लेकिन इसका समाधान मोदी जी का नेतृत्व में क्लियर होगा। इन लॉन्ग रन हम लोग आपस में शांति से रहेंगे, कोई बाउंड्री डिस्प्यूट बोल के कोई शुद्ध गुद घटना नहीं होगा सर। और दो इशू है सर, जो एक हो गया पांगसाव पास का जो ट्रेड जो है अब तक खुला नहीं है, तो कई सारे यहाँ के लोग जो है वहाँ में कुछ हॉर्टिकल्चर का रिलेटेड को लेके सप्लाई करना चाहता है, लेकिन यहाँ समस्या जो है नहीं खुला है। दूसरा है कि रांगलोम एक जगह है जहाँ में फौजी लोग के लिए आना जाना के लिए वहाँ 2 कैंप है असम राइफल कैंप, लेकिन अब तक जो है सड़क जो है बनाया तो है लेकिन शायद गवर्नमेंट जो है फोकस नहीं कर रहा है उस एरिया में। नहीं, इसमें मैं आपको बताऊंगा, पहले पांगसाव पास में पहले वो सस्पेंड किया गया जो ये जो बॉर्डर ट्रेड जो है, अभी उसके लिए वहाँ का ऑनरेबल MLA लाइसम सिमाई साहब ने भी लिखा है और हमने भी लिखा है एक्सटर्नल अफेयर्स एंड होम मिनिस्ट्री को कि इसको रिज्यूम किया जाए, क्योंकि ये उस म्यांमार का उस निवासियों के लिए बेनिफिट है और हमारा चांगलांग
और मानमो नामपोंग अरुणाचल के भी बेनिफिट है। इसके लिए हम लोग लगा हुआ है कि इस बॉर्डर ट्रेड को पंक्सो पास में रिज्यूम करना है। सेकेंड जो आपने कहा कि पीएमजेएस हुआ है रंगलोम जिस एरिया में, इसमें हमारा ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर तेसाम पोंगते साहब पूरा सारा सर वो नहीं इसको ये लाइसम सिमाई और ये हमारा तेसाम पोंगते और पुसुम किमुन, ये क्योंकि पीएमजेएस वाई इश्यूज को ऑनरेबल एमपी एमपी का थ्रो ही जाता है। इसमें केवल यहाँ नहीं है, ये तेसाम पोंगते साहब का कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी है, पुसुम किमुन का कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी है, अपर सुबनसिरी में भी है। इसका टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हुआ, फर्स्ट पेज तो हो गया, सेकेंड पेज को हमारा डिपार्टमेंटल ऑफिसर ने उसका अपॉर्चुनिटी नहीं लिया, सेंटर से पैसा जो क्लेम करना चाहिए था वो राइट समय में नहीं हुआ तो सेकेंड पेज में लेप्स हुआ। इसके लिए हम आर्दी मिनिस्ट्री से लिखित में भी और हम तेसाम पोंगते डिप्टी स्पीकर साहब को लेके भी हम आर्दी मिनिस्टर का साथ भी गया और वहाँ हम थर्ड पेज जो आने वाला है इसमें ये करने के लिए आप इंक्लूजन करने के लिए हम लोग लगा हुआ है। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आर्मी असम राइफल पर्सनल मूवमेंट साथ में पब्लिक मूवमेंट के लिए भी हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी एक सेक्टर है म्यांमार बॉर्डर, उसमें हम लोग लगा हुआ है, जल्दी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्णय लेंगे। ओके थैंक यू सर। थैंक यू।